चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। किचन क्वीन एंजल की किचन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टू, उसकी रेसिपी मैं आपको शेयर करती हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। और जो न्यू है, जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को प्लीज लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेना है। मैंने पहले से ही गरम होने के लिए ऑयल डाल दिया था यहाँ पे। यहाँ तेल को हम अच्छे से गरम होने देते हैं। उससे पहले आपको खड़े मसाले लेने हैं, 4 सूखा मिर्च, 2 तेजपात की पत्ती, लौंग, जावित्री और इलायची, इन सबको ले लें, दालचीनी। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब सब खड़े मसाले को हम डाल देते हैं इसमें। अब इसको खड़े मसाले को थोड़ी देर चटकने देते हैं अच्छी तरह से। यहाँ मसाले हमारे सारे चटक चुके हैं। अब हम ऐड करेंगे 2 बड़ी साइज की प्याज। प्याज अब अपने चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से ही ले, ज्यादा है तो ज्यादा ले ले, कम है तो कम ले ले। प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक अच्छे से इसको फ्राई कर लेते हैं 3 से 4 मिनट तक, जिससे प्याज का जो कच्चापन होता है वो अच्छी तरह से दूर हो जाए। आप इस तरह से एक बार चिकन स्टू की रेसिपी जरूर घर पे ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना आप लोग को रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ 3 से 4 मिनट हमने प्याज को अच्छी तरह से फ्राई किया है। उसके बाद यहाँ पे हरी मिर्च, आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो ज्यादा ले ले, कम पसंद है तो कम, बारीक कची हुई लहसुन की कलियां, अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। उसके बाद एक बड़ी साइज की टमाटर, सभी को अच्छी तरह से चला लें और ज्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भून लें। साथ साथ में ही हमें यहाँ पे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। डालने के बाद 4 से 5 मिनट तक इसको हम सारे सब्जियों को अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे, जिससे सारी सब्जियों का कच्चापन जो है निकल जाए। बीच बीच में इसको चलाते रहें। चलिए यहाँ पे हमारी सारी सब्जियों को हमने अच्छी तरह से हल्का हल्का रोस्ट कर लिया है। उसके बाद अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे चिकन। यहाँ चिकन को हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच दही, 2 चम्मच दही ऐड करने के बाद नमक स्वाद अनुसार ले लें। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर अच्छी खुशबू के लिए,
बस हमको इस चूल्हे के इतने ही मसाले डालने हैं। अब सभी मसालों को हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। इसमें लाल मिर्च और गरम मसाला का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि हमने सारे गरम मसाला खड़े ही डाले हैं। अब इस तरह चलाने के बाद इसको ढक देते हैं। अब इसको हम ढक देते हैं। ढकने के बाद इसमें हमें पानी अभी नहीं ऐड करना है, क्योंकि गोश्त जो है वो खुद पानी छोड़ता है, इसलिए इसको धीमी आंच पे ऐसे ढक के पकाना है। 5 मिनट बाद इसको हम चेक करते हैं। एक बार ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। गोश्त ने पानी छोड़ दिया है। अब इसी में हमको स्टू को रेडी करना है। पानी बिल्कुल ही ऐड नहीं करेंगे। बीच बीच में आप इसको ढक्कन हटा के चेक करते रहें। पांच से छह मिनट लगभग हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक बार स्टू को चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप स्टू हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। धनिया की पत्ती ऐड कर दें। यहाँ पे हमारा स्टू बिल्कुल रेडी है। और कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग को रेसिपी कैसी लगी है। और प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज सपोर्ट मी। चलिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ।